गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th हमने क्या पढ़ रहे थे, वुमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिनमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव जो मेल गैमेट था कौन सा था, हमारा स्पर्म था, और फीमेल गैमेट क्या था, हमारा ओवम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था, हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हमारा हो चुका था कि जब किसका मेल गैमेट स्पर्म का और फीमेल गैमेट किसका ओवम का जब फ्यूजन होता है तो फ्यूजन से क्या बनता है, जायगोट। तो इस फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हमारा क्या है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होगा क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा सिंगल सेल। तो अब है कि जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा, कि जब ओवम है वो फर्टिलाइज होगा किसमें, ओविडक्ट के अंदर, तो ये क्या होगा, सिंगल सेल क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जब वो सिंगल सेल रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, हम जायगोट बोलेंगे। लेकिन जब जायगोट में क्या होगा, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। ये जायगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा रेपिडली, किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। कि मियोसिस में क्या होगा कि एक सेल से क्या बनेगी, टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, टू से फोर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, फोर से फिर एट, एट से फिर सिक्सटीन, सिक्सटीन से फिर इसका होगा 32, 32 से 64। इस तरह क्या होगा, जायगोट क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड होता रहेगा और क्या करेगा, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता रहेगा। तो क्या करेगा, जायगोट डिवाइड करेगा रैपिडली बाय मियोसिस, इट मूव स्लोली डाउन इन द ओविडक्ट। तो क्या करेगा, जब डिवीजन होना स्टार्ट होगा तो जो हमारा जायगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हुआ था, तो वो क्या करेगा, जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। कि ओविडक्ट से वो कहाँ पर आ जाएगा, ओविडक्ट से वो क्या आएगा, नीचे की तरफ, यूट्रस की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या बना लेगा, एक होलो बॉल्स ऑफ हंड्रेड ऑफ सेल्स। कि हंड्रेड ऑफ सेल्स से क्या बना लेगा, एक होलो बॉल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, उसको क्या बोलेंगे, हम एम्ब्रियो बोलेंगे। तो एम्ब्रियो कहाँ पर आ गया, हमारे यूट्रस के अंदर। तो जब यूट्रस के अंदर आ गया, जब जो यूट्रस की जो इनर मेम्ब्रेन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जब उसके अंदर क्या आएगा, साइक्लिक चेंजेज आएंगे। तो साइक्लिक चेंजेज आने से वो क्या होगी, कि एक साइड से क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। और अब जिस साइड से रप्चर होगी, वहाँ पर जो हमारा एम्ब्रियो बना है, मतलब कि सेल डिवीजन के बाद जो एम्ब्रियो बना है, वो एम्ब्रियो कहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा, उस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर। कि जिस प्लेस से वो एंडोमेट्रियम हमारी रप्चर हुई है, उस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। तो जो एम्ब्रियो एम्बेडेड इन द थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस, यूट्रस की थिक लाइन में एम्ब्रियो का एम्बेडेड होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसे कहेंगे, कि जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की जो थिक लाइनिंग है, उसको रप्चर होने के बाद वहाँ पर क्या हो जाता है, एम्बेड हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, हम इम्प्लांटेशन बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, कि आफ्टर इम्प्लांटेशन ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो। कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, कि जो यूट्रस की वॉल है और एम्ब्रियो है, उसके बीच में क्या होगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसको क्या बोलेंगे हम, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करेगी, बेबी, जो बेबी से क्या रहेगी, वो अटैच रहेगी। द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मदर टेक प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। कि जो बेबी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाना है, जो ऑक्सीजन जानी है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बेबी से क्या होने हैं, बेबी के बॉडी से बाहर आने, वो किसके थ्रू होंगे, ये एक्सचेंज होगा किसके, मदर के और बेबी के बीच में, किसके द्वारा होगा, प्लेसेंटा के द्वारा ही होगा। तो प्लेसेंटा क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने का काम करती है। फिर आता है गेस्टेशन। अब गेस्टेशन किसको कहते हैं, इधर टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। कि जब फर्टिलाइजेशन होता है किसका, ओवम का और स्पर्म का, उस फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ होने तक के जो टाइम पीरियड होता है, उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। जिस टाइम पीरियड में बेबी कहाँ रहेगा, मदर के पेट में रहेगा, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो एवरेज गेस्टेशन पीरियड कितना होता है वुमेन्स के अंदर, अबाउट 9 मंथ होता है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो गेस्टेशन पीरियड कितना होगा, 9 मंथ होगा। ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड द फीटस ग्रो टू बिकम ए बेबी। इस गेस्टेशन पीरियड के दौरान ये जो फीटस है, वो ग्रो होकर क्या बन जाएगा, एक बेबी बन जाएगा। बर्थ बिगेन्स व्हेन द मसल्स ऑफ
अब 9 मंथ के बाद क्या होगा, जो यूट्रस की मसल्स है वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। बेबी कहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस के अंदर। तो यूट्रस की जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी, कंट्रैक्ट करेंगी रिदमे के लिए। रिदमे के लिए मतलब कि कंट्रैक्ट, रिलैक्स होते रहेंगे, कंट्रैक्ट करती रहेंगी। तो जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी तो मसल्स क्या होंगी, ग्रेजुअली पुश द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। तो जब वो मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, बेबी को पुश करेंगी। किस लिए पुश करेंगी, कि बेबी क्या हो जाए, बेबी कब डिलीवरी हो जाए, किसके मदर बॉडी से बेबी क्या जाए बाहर आ जाए, किसके थ्रू, वेजाइना के थ्रू। तो जो द डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड क्या, पार्चुरेशन। कि बेबी की डिलीवरी होना क्या कहलाएगा, पार्चुरेशन। कि जो यूटरस के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो क्या करेगी, बेबी को पुश करेगी बाहर की साइड। तो बेबी क्या होगा कि जो फीमेल की वेजाइना के द्वारा क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा या डिलीवरी होगी। तो डिलीवरी हो बेबी या बर्थ हो, बेबी क्या कहलाता है, पार्चुरेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिफरेंस बिटवीन जायगोट एम्ब्रियो एंड फीटस। कि जायगोट एम्ब्रियो और फीटस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले जायगोट क्या होता है, जायगोट का फॉर्म होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि स्पर्म का और एग का क्या होगा, फ्यूजन होगा। एम्ब्रियो कब होगा, कि जब जायगोट के अंदर क्या होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और फीटस कब बनेगा, जब उस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन स्टेज आ जाएगी, फीटस की। कि जब फ्यूजन होगा मेल गैमेट का तो क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट के अंदर डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी तो क्या बनेगा, हमारा फीटस। फिर आता है कि जायगोट इज द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेबी। कि जायगोट क्या है, किसी भी बेबी के फॉर्मेशन की बिगनिंग है। सबसे पहले बिगनिंग कहाँ से होती है, बेबी की फॉर्मेशन होने का स्टार्ट होती है जायगोट से। फिर एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो इज एन अनबोर्न बेबी इन द यूट्रस इन अर्ली स्टेज। कि अर्ली स्टेज के अंदर जो अनबोर्न बेबी होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। कब तक, फर्टिलाइजेशन लेकर 8 वीक तक हम क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रियो। फिटस कब बोलेंगे, कि लेटर स्टेज में, डेवलपमेंट के लेटर स्टेज में, यानी कि 8 वीक्स के बाद से लेकर बर्थ तक, उसको हम क्या बोलेंगे, फीटस। अब देखिए जायगोट, जायगोट इज ए सिंगल सेल। जो हमारा जायगोट होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल। कि सिंगल सेल क्या होता है, जायगोट होता है। फिर सिंगल सेल में क्या होगा, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एम्ब्रियो हमारा कैसा होगा, मल्टी सेलर होगा। द बॉडी फीचर्स आर नॉट मच डेवलप्ड। कि बॉडी फीचर्स होते हैं क्या होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते। ए फीटस इज आल्सो मल्टी सेलर। फीटस भी क्या होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। लेकिन फीटस के अंदर जो बॉडी फीचर्स होते हैं, जैसे कि हेड है, लेग्स है, हैंड है, आईज है, ईयर है, वो क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाइड हो जाते हैं। तो ये क्या था, कॉमन डिफरेंस थे किसके बीच में, जायगोट में, एम्ब्रियो में और फीटस के अंदर। फिर इसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, इफ जब क्या होता है, ओवुलेशन होने के बाद क्या होगा, एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने के बाद क्या करेगा, वो स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। फ्यूज करने से क्या होगा, जायगोट बनेगा। जायगोट से फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर क्या होगा, गैस्ट्रेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन के बाद पार्चुरेशन हो जाएगा। लेकिन अब, लेकिन जब वो एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो क्या होगा, जब यदि हमारा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो जो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग हमारी कैसी थी, थिक और सॉफ्ट थी, क्या नाम था, एंडोमेट्रियम। तो जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो क्या हो जाएगी, ब्रीक हो जाएगी। जब वो एंडोमेट्रियम ब्रीक होगी तो क्या होगा, उसमें से ब्लड और म्यूकस है वो बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। किसके थ्रू आएगा, वेजाइना के थ्रू। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। कि जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो हमारी इनर लाइनिंग थी एंडोमेट्रियम की, वो ब्रीक हो जाएगी। और वो ब्रीक होने से ब्लड और जो म्यूकस है वो क्या होगा, बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। किसकी फॉर्म में, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में। और किसके थ्रू आएगा, वेजाइना के थ्रू। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन कब होता है, एवरी 28 डेज। कि 28 डेज के इंटरवल पे क्या होता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ओवुलेशन है, एग बनने की प्रोसेस है, वो भी क्या होती है, एवरी 28 डेज पर। कि 28 डेज के इंटरवल पर ही क्या होता है, एग बनने की प्रोसेस होती है। अब इसमें कुछ टाइम है, जैसे कि मेनार्क है, मेनोपॉज है,
तो मेनार्क क्या होती है कि जो फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, इसमें फीमेल्स के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं मेनार्क, कि फीमेल्स में जब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी आने पे फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं मेनार्क। और मेनोपोज कि जब हमारा जो मेंस्ट्रुएशन है, जब मेंस्ट्रुएशन है वोमेन के अंदर क्या होगा, वोमेन के अंदर एक परमानेंटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, कि जब जब जो हमारा क्या है मेंस्ट्रुएशन वुमेन बॉडी वुमेन के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम मेनोपोज। अब मेनोपोज कब होता है, एट कितनी एज में, 45 से 50 इयर्स की एज में कॉमनली क्या हो जाता है मेनोपोज हो जाता है, कि मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है। फिर है कि ओवुलेशन, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, तो ओवुलेशन क्या कहेगा, ओवम का रिलीज होना कहाँ से, ओवरी से, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे ओवुलेशन। इट टेक प्लेस ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डेज के ऊपर क्या होता है ओवुलेशन होता है, हर मंथ ओवुलेशन होगा, कब होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14th डे के ऊपर क्या होगा ओवुलेशन होता है। तो ये क्या था हमारा मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेनोपोज और मेनार्क। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बर्थ कंट्रोल, कि हम बर्थ को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें बर्थ कंट्रोल और फिर उसके कुछ टाइप आएंगे किस किस मेथड के द्वारा हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।